नागपुर की अपराध शाखा ने एक बड़ी कामगिरी को अंजाम दिया है। अपराध शाखा की टीम ने बुधवार को मिले गुप्त जानकारी के आधार पर मादक पदार्थ ले जा रहे दो लोगों को गिरफ्तार करने में यश प्राप्त किया है। इस दौरान उन्होंने आरोपियों से कुल 6,19,800 रुपए का मुद्देमाल भी जब्त किया है। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सार्थक नेहते ने दी। अपराध शाखा के पथक को बुधवार को एक गुप्त जानकारी मिली कि गणेशपेट थाना अंतर्गत आने वाले बैद्यनाथ चौक में दो युवक होंडा शाइन इस गाड़ी से ड्रग्स लेकर आ रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने एक योजना बनाई जिसके चलते उन्होंने आरोपी सौरभ छपानी और आरोपी संदीप पांडे को धर दबोचा। वो उनके पास से लगभग 53 ग्राम का MD ड्रग्स, जिसकी कीमत 5,34,800 रुपए और दो मोबाइल हैंडसेट और एक मोटरसाइकिल समेत कुल 6,19,800 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। जब पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तब पता चला कि वे आरोपी अंकिश उर्फ गुलाम तुर्कल को ड्रग्स पहुंचा रहे थे, जिस पर पहले ही कई गुना दर्ज किए गए थे। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सार्थक नेहते ने अधिक जानकारी साझा की। कल NDPS पद का एक गुप्त माहिती मिळाली होती कि आरोपी नामे सौरभ छपानी आणि संदीप पांडे हे गणेशपेठ पोलीस स्टेशन हद्दीमधील बैद्यनाथ चौक येथे MD एक कन्साइनमेंट घेऊन येणार आहे अशी माहिती मिळाली होती। त्याप्रमाणे आपण गणेशपेठ पोस्टी हद्दीत वैद्यनाथ चौक येथे सापळा रचला होता आणि हे उपरोक्त ह्या दोन आरोपींना आपण पकडलं आहे आणि त्यांच्याकडून आपण 53.48 ग्रॅम MD ज्याची मार्केट व्हॅल्यू जवळपास 5,40,000 रुपये आहे आणि एक मोटरसायकल आणि दोन मोबाईल असं जवळपास 6,20,000 मुद्देमाल आपण त्यांच्याकडून जप्त केलेला आहे। ही MD जी आहे त्यांनी आरोपी नावे अंकिश संजय तुर्केल राहणार फ्रेंड्स कॉलनी याच्यासाठी आणली होती। तो आरोपी अद्याप फरार आहे, रात्री गणेशपेठ पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल केलेला आहे। आरोपी सौरभ छपाने हा पुणे येथे फोनपे आणि भारत पे कंपनीत काम करतो, तसंच तो हे पॅरलेली MD पण काम करतो। आरोपी संजय पांडे याचं फुटाळा तलाव येथे चायनीजचा गाडा आहे आणि याच्यातला जो मुख्य आरोपी आहे फरार आरोपी अंकिश तुर्केल हा फ्रेंड्स कॉलनीमध्ये राहतो आणि याच्यावर यापूर्वी मर्डर आणि अटेम्प्ट टू मर्डर सारखे गुन्हे दाखल आहेत। MD त्याने मुंबई येथून आरोपी सौरभ छपाने आणि मुंबई येथून मंगेश नावाच्या व्यक्तीकडून ते MD आणलं होतं, बस आणलं होतं त्याने। 11 तारखेला तो मुंबईला गेला होता आणि बाय बस त्याने MD आणलं होतं। अजून तपास चालू आहे। इस वक्त पुलिस द्वारा ये भी जानकारी मिली की आरोपी 11 तारीख को बस से मुंबई गए थे और वहां मंगेश नाम की युवक से उन्होंने ड्रग्स ली और फिर 14 तारीख को बस से ही नागपुर आए, जिस वक्त अपराध शाखा की टीम ने उन्हें धर दबोचा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार BC News नागपुर।